अब देखना फर्क क्या होता है विनिंग माइंडसेट में और एक लूजर वाले माइंडसेट में। क्या लूजर वाला माइंडसेट क्या करेगा, सर मेरे पास पैसे नहीं है, आप पैसे ले रहे हो, टक लिख देगा, सर लूट रहे हो, टक सेंड कर देगा। ठीक है, तीसरा बच्चा लिखेगा सर इतने पैसे ले रहे हो, ठक 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 क्यों ले रहे हो, फ्री में कराओ ये वो। ये लूजर माइंडसेट है, क्यों, कोई प्रॉब्लम सॉल्वर थोड़ी है। प्रॉब्लम सॉल्वर वाला उसके दिमाग में पता क्या आएगा, यार पैसे पेरेंट्स के पास तो नहीं है। सर ने बोला था एक बार कि अगर आप बाहर अपनी सोसाइटी के बाहर भी छोटे बच्चों को पढ़ा दोगे ना, 3-4 बच्चों को भी अगर मैं पढ़ा दूंगा, 500 रुपए भी अगर मैं मंथ ले लूंगा उनसे, छोटे बच्चों को 2 घंटे पढ़ा दूंगा, तो मेरा यहाँ प्लस का खर्चा निकल जाएगा आराम से। इतने ज्यादा तो चार्जेस है नहीं, और इंडिया की बेस्ट फैकल्टी है, सबसे ज्यादा रिजल्ट भी इन्होंने दिया, सर पे भरोसा भी है, समझ में भी आता है, मैं ये ले लेता हूँ। ये विनिंग एटीट्यूड है, क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉल्वर है, फौज में चाहिए प्रॉब्लम सॉल्वर। हम क्या करेंगे ऐसे निकट्टू इंसान का, या फौज क्या करेगी ऐसे निकट्टू इंसान का, जो जरी सी प्रॉब्लम देख के हाथ पैर छोड़ देता है, नहीं है बस छोड़ दो, छोड़ दो भाई ये आदमी बेकार है ना, ऐसा दिमाग के अंदर आता है तो दोस्त तू वहीं हार गया। आगे असली में जीतने से पहले तो अपने दिमाग के अंदर जीतना पड़ता है कि एक्चुअली मैं ये जिंदगी में कर सकता हूँ काम या नहीं कर सकता हूँ। अगर 1% भी आगे नहीं कर सकता तो 100% फेल हुआ, जब मर्जी मेरे से लिखवा लेना। अगर 1% भी आपके दिमाग में आया ना कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो फेल है तू, अपने आप में ही हार गया तू।